Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn about time and temperature. Okay, so ये terms से तो आप familiar हो, correct? Time and temperature क्या होता है? Time से तो बहुत ज़्यादा familiar हो क्योंकि daily आपके घर में भी watch लगी हुई होगी, correct? Daily हम time देखते ही हैं. So इवन आपने इवन अपनी लास्ट क्लासेस में भी टाइम के बारे में पढ़ा होगा, करेक्ट? सो लेट्स रिवाइज समथिंग कि हमने क्या क्या अभी तक हमें टाइम के बारे में आता है, क्या क्या हमें पता है कि 12 आवर क्लॉक क्या होती है, 24 आवर क्लॉक क्या होती है. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू 24 आवर क्लॉक टाइम. ओके, सो देयर आर टू types of clock you can say. One is in which you read time in 12 hour, okay, and another one is जब आप 24 hour में time को read करते हो, okay. वो कैसे करते हैं, let's quickly revise it or understand it. You can say 12 hour वाली तो सबने अपने घर में देखी है, correct? ऐसे होता है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, करेक्ट? दिस इज़ आर 12 आवर क्लॉक. 24 आवर क्लॉक की अगर मैं बात करूँ, कोई स्पेसिफिक क्लॉक नहीं है, बस ये एक तरीका है टाइम को रीड करने का. ओके, इट्स अ मैथड टू रीड टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट. ओके, सो वॉट वी डू वेन वी स्टार्ट, से अ डे स्टार्ट फ्रॉम द मिड नाइट 12 ओ क्लॉक, करेक्ट? सो वेन इट completes a round, that is when it's 12 noon, instead of counting as 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., what we do, we count it as, or we measure it as 13, 14, 15, 16, okay, and usko nikalne ka tarika kya hai, you can add 12 in the 12 आवर टाइमिंग. ओके, जो भी आपका पीएम वाला टाइमिंग होता है. ओके, एंड वन मोर थिंग, जब आप 24 आवर क्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो टाइम को, तब आप एएम और पीएम का यूज़ नहीं करते हो, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड अगर 13 आवर्स लिखा है, दैट मीन्स दैट इज़ 1 p.m. ओके, क्योंकि 12 नून के बाद से ही जब काउंटिंग हम शुरू करते हैं, टाइम की काउंट करना शुरू करते हैं, मेज़र करना शुरू करते हैं, तभी हम उसको 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 24 काउंट करते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है टाइम को फ्रॉम एएम पीएम फॉर्मेट टू आवर्स फॉर्मेट, दैट इज़ फ्रॉम 12 आवर फॉर्मेट टू 24 आवर फॉर्मेट. ओके, लेट्स सी फर्स्ट वन क्या है. 9:30 a.m. सो अभी मैंने बताया 12 नून के बाद से वी स्टार्ट काउंटिंग एज 13, 14, 15, बिकॉज उसके पहले तो सिंपल है ना, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड नाइट, 12 से न्यू डे स्टार्ट होता है, करेक्ट? देन वी स्टार्ट फ्रॉम द 1 o'clock, दैट इज़ 1 a.m. 2 o'clock, दैट इज़ 2 a.m. ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. जैसे ही 12 नून आता है, फिर क्या हो जाता है, वो 13 इन 24 आवर क्लॉक. ओके, और अगर 12 आवर क्लॉक होता है तो क्या हो जाता है, 1 p.m. ओके, सो दिस टाइम इज गिवन हियर इज इन am. सो क्या ये चेंज होगा? नो, बिकॉज चाहे 24 आवर क्लॉक हो, चाहे 12 आवर क्लॉक हो, am वाला जो टाइम है वो तो सेम रहेगा. बस चेंज क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, हाउ यू रिप्रेजेंट इट. सो हियर इट इज रिटन 9:30 a.m. इन 12 आवर फॉर्मेट. सो अब आपको इसको 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा ये, 9:30 hours. कैसे लिखा जाएगा, आवर्स. 24 आवर फॉर्मेट में हम am pm में नहीं डिनोट करते हैं टाइम को. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, 12 नून. अगेन ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, अगेन इसमें 12 नून नहीं आता है, सो क्या आएगा, 12 आवर्स. ओके, नाउ दिस टाइम 8:15 p.m. नाउ दिस इज इन pm. अभी हमने एक देखा, अगर am है तो क्या करना है, नून है तो क्या होगा, करेक्ट? नाउ pm, अगर pm में टाइम है, अभी जब 24 आवर क्लॉक के बारे में हम पढ़ रहे थे हाउ टू रिप्रेजेंट इट,
तब हमने क्या सीखा दैट 12 नून के बाद जब पीएम में टाइम स्टार्ट होता है तो अब हम उसको 13, 14, 15 ऐसे रिप्रेजेंट करने लगते हैं. सो उसको फाइंड आउट कैसे करें? ऐसे तो आप क्लॉक पे बना के उसको काउंट कर सकते हो कि कितना टाइम दिया है 8:15, तो उसको क्या मेज़र करेंगे अगर 24 आवर क्लॉक में तो क्या आएगा. बट ईजीएस्ट मेथड क्या होगा कि आप इस टाइम में क्या ऐड कर दो, 12. क्या ऐड करना है? 12. आई टेल यू व्हाई, जस्ट ऐड इट फर्स्ट. सो टू ऐड यू मस्ट हैव learned in your previous classes that to add something, some quantity, the unit should be same. Okay, if I talk about time, this is hour, this is minute, correct? If I am adding 12, what I am adding? Am I adding a minute or adding 12 minute or 12 hour? I am adding a 12 hour. So I'll add it in 8, not in 15. सो 15 रिमेन है सेम, इसको हम 12:00 ऐसे लिख सकते हैं. सो यहाँ क्या आ जाएगा? 15. 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20. सो इन 24 आवर 8:15 पीएम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 20:15 आवर. ओके, अगेन एएम पीएम से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर क्लॉक में, आवर से रिप्रेजेंट करते हैं. इन द सिमिलर वे आप इसको इनको सबको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सी this one E and F, these are represented in AM, so you don't have to change anything, just write R in place of AM and time will remain as it is, like 6:10 and 5:10. okay, but the D one, इसमें क्या है? 11:20 PM, correct? Again PM है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 add करना पड़ेगा. and 12 add करना है तो कहाँ करना होता है? वो आर वाले पार्ट में. अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एड सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी हो, इट कुड बी एनी थिंग, तो क्या होना चाहिए? उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. ओके, सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये तो 20 एज इट इज आ जाएगा. आई विल राइट इट हियर सो आपको क्लियरली समझ आए. दिस इज 11:20 और इसमें अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20. ओके, एंड 11 प्लस 12 इज 23. सो 11:20 पी एम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 23:20 आवर्स. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको 24 आवर फॉर्मेट में टाइम दिया है और आपको 12 आवर में चेंज करना है. अभी हमने पूरा बहुत अच्छे से समझा है कि 12 आवर 24 आवर में क्या क्या डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेशन में. तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, एक देख लेते हैं. क्या लिखा है? 23 आवर्स लिखा है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब 12 आवर में तो 12 तक ही नंबर हो सकते हैं, करेक्ट? जब हम 12 आवर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कैसे निकालें? इन द सिमिलर वे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? 12 को ऐड करना पड़ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस? 23 माइनस 12. अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 11. अब 11 क्योंकि आपने 12 माइनस किया है, नाउ द क्वेश्चन इज इट ए एम और पी एम? सो सिंपल है बेटा, बिकॉज जो ए एम वाला पार्ट होता है उसको तो हम चेंज ही नहीं करते हैं, पी एम वाले पार्ट को ही करते हैं. तो अगर ये चेंज हुआ है तो ये क्या होगा? टाइम पी एम में, दैट इज 11 PM. So 23 hours in 24 hour format will become 11 PM in 12 hour clock format. Okay, simple है. In the similar way ये भी आप कर सकते हैं, इसमें से भी 12 minus करेंगे. Again जैसे addition में होता है वैसे ही subtraction में भी होता है कि same unit से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है. दिस दीज आर मिनट, 20 मिनट्स. सो आप इससे नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे 12. 12 किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 13 से. तो ये क्या हो जाएगा? 1:20 पी एम. ओके, लेट्स सी दिस वन. 00 आवर्स. 00 आवर्स का मतलब क्या होता है? अब द क्वेश्चन इज 00 आवर कहाँ से आ गया, राइट? सो द 12 ए एम दैट इज मिड नाइट इज रिप्रेजेंटेड एज 00 आवर इन 24 आवर क्लॉक. ओके, सो दिस इज 12 ए एम, दैट इज मिड नाइट. ऑल राइट, क्लियर?
लेट्स मूव ऑन. अभी हमने सीखा कि 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड. अब अगर मुझे कहना है कि डेज को आवर में चेंज करो, आवर्स को मिनट में चेंज करो, या फिर वाइस वर्सा, मिनट को आवर में, आवर को डेज में चेंज करना है, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन चेंज दैट. बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट नो, अभी जैसे हमने क्लॉक पढ़ा, 24 आवर फॉर्मेट क्यों लिया हमने क्लॉक रीड करने का एक और, बिकॉज इन वन डे देर आर 24 आवर्स. ओके, सो रिमेंबर इट, इन वन डे हाउ मेनी आवर्स आर देयर? 24 आवर्स. ओके, एंड इन वन आवर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? वेट, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? 60 मिनट्स. And in 1 minute, how many seconds are there? That is also 60 seconds. These three things you need to remember to solve question related to time or anything, any problem related to time. Okay, let's see this example. यहाँ पे क्या करना है? Converting days into hours. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? Days को hours में convert कर रहे हैं. So, to convert days into hours, multiply number by 24. Why? Because one day is equals to 24 hour. Okay? So, the question is convert 13 days and 5 hour into hours. अब 13 days and 5 hour को convert करना है आपको hours में, तो 5 hour तो already hour में है, तो इसको तो छेड़ते नहीं है, इसको अभी side रखते हैं. ठीक है, अब हमें 13 डेज को आवर्स में चेंज करना है. करेक्ट, सो व्हाट वील डू? वील मल्टीप्लाई बाय 24. 13 इंटू 24, एंड जो 5 आवर अभी हमने साइड में रखा है उसको क्या करना है? ऐड करना है, बिकॉज ओवरऑल टाइम तो 13 डे 5 आवर लग रहा है ना. इफ आई से कि आपको कोई टास्क दिया गया है, से कोई असाइनमेंट दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको बनाने में आपको 13 डेज एंड 5 आवर लग रहे हैं, सो वो 5 आवर भी काउंट होंगे. करेक्ट, सो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. सो 13 डेज में कितने आवर हो गए, उसको कैसे निकालेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करके. प्लस कितने और आवर्स हैं 13 डेज के अलावा? 5 मोर आवर्स हैं, तो उनको भी हम ऐड कर देंगे. ठीक है, 13 इंटू 24 आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, 13 का टेबल भी डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको टू नंबर मल्टीप्लीकेशन मैथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 312 आवर्स प्लस 5 आवर, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया हमारा? 317 आवर्स, विच इज़ यू कैन राइट इट एज 13 डेज एंड 5 आवर्स इक्वल टू 317 आवर्स. ओके, अंडरस्टूड? दिस वॉज डेज इंटू आर, वी वर कन्वर्टिंग डेज इंटू आर. ओके, नाउ आवर्स इंटू मिनट्स. सो मैंने क्या बताया था? 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट, पता भी है आपको, बिकॉज जैसे हम क्लॉक देखते हैं, सो हर एक नंबर, हर एक मार्क के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 5-5 मिनट्स का होता है, तो 5-5-5-5-5 ऐसे जब आप काउंट करोगे यहाँ से 12 से स्टार्ट करके, तो ये कितना हो जाता है? 60 मिनट्स. ओके, सो अब आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू? दिस टाइम यू विल मल्टीप्लाई बाय 60. करेक्ट, व्हाई? बिकॉज 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट. नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 11 आवर्स 46 मिनट इनटू मिनट. अगेन हाफ ऑफ द टाइम इज गिवन इन आवर एंड हाफ इज गिवन इन मिनट. नॉट एग्जैक्टली हाफ, माय पर्पज इज दैट यू अंडरस्टैंड जो पार्ट आपको आवर में दिया है सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है आपको मिनट में, जो मिनट वाला है उसको नहीं छेड़ना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिनट में, और हमें टाइम मिनट में ही चाहिए. करेक्ट, सो अगेन जैसे हमने डेज वाला किया था, इन द सिमिलर मैनर यू कैन सॉल्व दिस वन. कितने आवर्स दिए हैं? 11 आवर्स. सो 11 आवर्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट में चेंज करने के लिए? 60 से. ओके, एंड जो अगेन एक्स्ट्रा 46 मिनट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो 11 इंटू 60 विल बी 660 मिनट्स प्लस 46 मिनट्स, सो ओवरऑल वुड बी 706
minutes. That is, you can say 11 hours and 46 minutes are equal to 706 minutes. Okay, one more thing जो मैंने आपको बताया था, 1 minute equals to 60 seconds. तो अब देखते हैं minutes को सेकेंड में कैसे चेंज करें, या गिवन टाइम जो आपका मिनट में है उसको सेकेंड में कैसे चेंज करें. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. एंड अगेन, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट किसको, मिनट को. ठीक है, ओके. सो द क्वेश्चन इज, कन्वर्ट 50 मिनट एंड 34 सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स. सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, सो आप सिंपली क्या कर दोगे, 50 इंटू 60. करेक्ट, ये तो हो गया, जो 50 मिनट है वो सेकंड्स में चेंज हो गया, और जो एक्स्ट्रा सेकंड्स थे वो कितने थे, 34. सो उसको हम ऐड कर देंगे. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 इंटू 60 कितना हो गया, 3000, और प्लस 34 था तो कितना हो गया, 3034 सेकेंड्स. सो वी कैन राइट 50 मिनट 34 सेकेंड्स आर इक्वल्स टू 3034 सेकेंड्स. ओके, अंडरस्टूड. अब हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सेम है जो हमने अभी सीखा है, वही कॉन्सेप्ट हमें इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स. डेज में आपको दिया हुआ है टाइम, आपको उनको आवर में चेंज करना है. सिंपल है, आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, 24 से मल्टीप्लाई. वाई, बिकॉज 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours. ओके, सो दिस इज सिंपल. 5 days को निकालना है, कितने आवर में होगा, तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो. अगेन इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 17 डेज को आपको कैलकुलेट करना है. दिस वन इज ऑल्सो सेम, 42. ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24. अगेन 60 डेज को करना है, फिर से 24 से जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा आप आंसर लिख सकते हो. नाउ दिस वन इज द सेम जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था. क्या किया था, जिसमें डेज और आवर में भी थोड़ा सा टाइम था. सो एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस वन. तो आप क्या करेंगे, 25 डेज हैं, तो उसको आर में चेंज करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा आर्स हैं उनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है. सो इन दैट वे, इन दैट मैनर यू कैन गेट द आंसर. दिस इज ऑल्सो सिमिलर. ओके, मूविंग ऑन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू मिनट्स. दिस टाइम आपको टाइम दिया हुआ है आवर्स में, आपको किस में कैलकुलेट करना है, मिनट में. क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई. वाई, बिकॉज 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट. सो दीज आर सिंपल. अगेन 9 hour है तो कितना हो जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो. अगेन 15 hour है, कितना क्या हो जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज ऑल्सो सेम, दिस वन इज ऑल्सो सेम. ओके, अगेन ये वाला जो है ये ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ दोनों ही जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था. करेक्ट, कैसे करना है इसको, हाउ यू विल डू इट, 39 hours and 6 minutes. सो 39 hour को मिनट में चेंज करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, जो एक्स्ट्रा मिनट है उसको ऐड कर दोगे. इन द सिमिलर मैनर यू कैन सॉल्व दिस वन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू सेकेंड्स. अब सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है मिनट को. अगेन सिमिलर है, 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई. अगेन ठीक है, हम इसमें तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सिर्फ मिनट में दिया है. अब यहाँ पे टाइम मिनट और सेकेंड दोनों में दिया है, सो दिस इज ऑल्सो सेम एज द एग्जाम्पल जो हमने किया था. क्या करना पड़ेगा, 15 जो कि मिनट है उसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे. 15 इंटू 60 प्लस वॉट इज द एक्स्ट्रा पार्ट, दैट इज 5 सेकेंड, तो उसको हम क्या कर लेंगे, एड. एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. ओके, अब अभी हमने क्या सीखा कि डेज को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, आवर्स को मिनट में कैसे करना है, मिनट को सेकेंड्स में कैसे करना है. अगर मैं वाइस वर्सा बात करूँ कि इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट सेकेंड्स इंटू मिनट, मिनट्स इंटू आवर्स, एंड आवर्स इंटू डेज, सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट, जस्ट टू द अपोजिट. उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. वाई, बिकॉज क्या हमने क्या सीखा था, 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours. ठीक है, 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds, एंड 1 hour इज इक्वल्स टू 1
60 minutes. Okay, so let's take this example. क्या करना है इसमें आपको? Hours को days में convert करना है. ठीक है, time कितना दिया है? 122 hours converted into days and hours. Okay, so again one day is equals to 24 hour होता है. So आपको इसको किससे divide करना पड़ेगा? 24 से. Let's divide it. 24 five से कितने हो जाएंगे? 120. Remainder कितना रहा? 2. Now the question is कि remainder का क्या करा जाए? जो question है उसका क्या करा जाए? What is the purpose of dividing and how we'll get the answer? So, जब आप divide करोगे जो भी आपका R में time दिया है उसको 24 से, तो जो question आएगा वो क्या आ जाएंगे? Days. And जो remainder होगा वो क्या रह जाएगा? Hours. So our answer is 5 days 2 hours. See? Okay? Easy? Next is convert minutes into hours. Again similar है, इसमें भी आपको divide ही करना पड़ेगा. देखते हैं यहाँ पे time क्या दिया है? 280 minute को आर में चेंज करना है. मिनट से आर में हमें कन्वर्ट करना है. ओके, सो 280 मिनट को हमें आर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 hour इज इक्वल्स टू 60 seconds. सो यू हैव टू डिवाइड बाय 60. चलो 280 को 60 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा? 4 time. 4 time कितना हो जाएगा? 240. सो आर रिमाइंडर इज 40. 40 इज लेस देन 60, करेक्ट? सो ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता. सो अगेन दिस टाइम जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा? आर. और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या रह जाएगा? मिनट्स. ओके, सो आर आंसर इज 4 hours and 40 minutes. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये भी सेम है, सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करना है. अगेन 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds, तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, कितने सेकेंड्स दिए हैं? 383 seconds को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स एंड सेकेंड्स में. ठीक है, सो लेट्स डिवाइड इट बाय 60. 60 से कितने टाइम्स में कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम. कितना हो गया? 360. सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 23. अगेन जो क्वेश्चन आया वो क्या हो गया? मिनट्स. एंड जो रिमाइंडर आया वो क्या हो गया? सेकेंड्स. ओके, सो आर आंसर इज 6 minutes and 23 seconds. नाउ देर कैन बी वन कन्फ्यूजन कि जो क्वेश्चन है वो मिनट ही है, जो रिमाइंडर है वो सेकेंड ही है, ये हमें कैसे याद रखना है? या फिर जो प्रीवियस केसेस थे उसमें जो क्वेश्चन था वो आर था एंड जो रिमाइंडर था वो मिनट था, एंड इन द केस ऑफ डेज क्वेश्चन डेज था और रिमाइंडर आर था. हाउ यू विल रिमेंबर इट? सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, लाइक यू वर कन्वर्टिंग इन टू मिनट दिस टाइम, करेक्ट? सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे. सो क्वेश्चन वही होगा जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज द रिमाइंडर विल बी द सेम यूनिट जो आपको गिवन टाइम पीरियड है. ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से ही. ठीक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज एंड आवर्स. क्या टाइम किस फॉर्मेट में दिया है आपको? आवर्स में दिया है. ठीक है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? डेज में करना है. सो क्या करना पड़ेगा आपको? अगेन लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज. अगर आपको आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? यू नीड टू डिवाइड इट बाय 24. Why? Because one day is equals to 24 hour. So simple है, इन सबको आप 24 से डिवाइड कर देंगे. लेट्स सॉल्व दिस वन. ठीक है, 62 hours दिया है, 24 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, क्या ये 2 time जाएगा? Yes. So 4 2 8 2 4. ओके, सब्ट्रैक्टेड, कितना हो गया? 12 - 8 इज 4, 5 - 4 इज 1. ओके, सो आर क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर इज 14. सो हाउ यू विल राइट इट? अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन वो लिखते हैं जिसमें हमें चेंज करना है और विच इज अ ग्रेटर यूनिट, करेक्ट? सो 2 days एंड हाउ मेनी आवर्स? 14 आवर्स.
सिंपल है. ओके, इन द सिमिलर वे आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. बहुत सिंपल है, 24 से आपको इसको डिवाइड करना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स. अब मिनट्स एंड सेकंड्स में चेंज करना है, टाइम दिया हुआ है हमें सेकंड्स में. अगेन इफ यू रिकॉल अभी हमने क्या पढ़ा, दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 सेकेंड. सो हमें जो भी हमारा गिवन टाइम है उससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से. करेक्ट. सो ये कितने टाइम जाएगा, 65 से 35 टाइम्स कितना हो जाएगा, 300. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट, क्या आया, 20. ओके, सो ये जो क्वेश्चन आया है वो क्या हो जाएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो क्वेश्चन आता है वो जिसमें हमें चेंज करना होता है और विच इज़ द ग्रेटर यूनिट, द लार्जर यूनिट. ओके, वो क्वेश्चन होता है, दैट इज मिनट्स. एंड 20 क्या हो गया, सेकेंड. सो फॉर द फर्स्ट वन आर आंसर इज 5 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. ओके, इन द सिमिलर वे ये भी हो जाएंगे, सिंपल है, 60 से यू हैव टू डिवाइड इट. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स. नाउ आपको टाइम दिया है मिनट में, आपको उसको चेंज करना है आवर एंड मिनट में. सिंपल है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट. अगेन यू विल डिवाइड इट बाय 60. लेट्स सॉल्व फर्स्ट वन ओनली. कितना है हमारा, 162 मिनट. हाउ मेनी मिनट्स आर गिवन, 162 मिनट. सो वी विल डिवाइड 162 बाय 60. हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, 2 टाइम्स. करेक्ट. सब्ट्रैक्टेड, 2 माइनस 0 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4. ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस क्वेश्चन इज दिस साइन किसमें कन्वर्ट करना था हमें, आर एंड मिनट में. सो बड़ा क्या है उसमें, व्हाट इज द लार्जर मेजरमेंट, लार्जेस्ट मेजरमेंट आर और मिनट में क्या बड़ा है, आर. करेक्ट. सो 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स. ऑलराइट, दैट इज क्वेश्चन इज आर एंड रिमाइंडर इज मिनट. इन द सिमिलर वे ये सब भी सॉल्व हो जाएंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज फाइंडिंग टाइम ड्यूरेशन. ओके, नाउ वी हैव लर्न्ड हाउ टू डू कैलकुलेशन इन टाइम. करेक्ट, टाइम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो अभी हमने सीखा. अब अगर आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल जस्ट सपोज स्टार्ट एट 8 AM. करेक्ट, एंड एंड्स एट 2 PM. सो हाउ यू विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड, कि आप कितने टाइम के लिए स्कूल में थे, कितने आर के लिए थे, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. ओके, लेट्स सी अ एग्जाम्पल हियर. वैभव स्टार्टेड फॉर हिज ऑफिस एट 8:45 AM. ओके, रीच्ड आफ्टर 1 आवर एंड 20 मिनट. वॉट इज हिज टाइम वेन ही रीच, वॉट वॉज द टाइम वेन ही रीच द ऑफिस. ओके, सो किस टाइम पे वो घर से निकला है, 8:45 AM पे. ओके, कितना टाइम उसको ऑफिस जाने में लगा है, 1 आवर एंड 20 मिनट. सो आपको टाइम निकालना है कि किस टाइम पे वो ऑफिस पहुंचा है. हाउ यू विल कैलकुलेट, सिंपल है, हम दोनों टाइम को ऐड कर देंगे. करेक्ट, एंड अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या याद रखना है, दैट द यूनिट शुड बी सेम. सो इन दिस केस इफ यू विल ऐड दीज टू, तो क्या क्या है हमारे पास, 8:45, दैट इज 8 क्या है, आर है, और 45 क्या है, मिनट. अब कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर एंड 20 मिनट. सो ऐड दीज 1 आवर एंड 20 मिनट को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, 4 + 2 = 6. सो इज दैट पॉसिबल, 65 मिनट्स हो सकते हैं, नहीं ना, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट ओनली. अब हमारा क्या आ गया, 65 मिनट. सो वॉट यू विल डू, यहाँ पे 60 मिनट को हम 1 आवर लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 1 आवर 5 मिनट. सो यहाँ पे सिंपली जो 1 एक्स्ट्रा है वो किधर चला जाएगा, यहाँ पे. ठीक है, सो ये कितना है, 8 + 1 = 9 + 1 = 10. सो द टाइम इज 10
5. Okay, let's check here. You can see it here. Why we have taken it as a carry? Because hum 60 minutes se zyada nahi likh sakte. Why? Because 1 hour is equals to 60 minute maximum. Usse zyada nahi ho sakta. Correct. So, is it clear? Kya time ho gaya hai us time pe jab office pahuncha hai? 10:05 AM. Okay. Next question. The primary school starts at 8:50 AM, okay, and gets over at 12:20 PM. This is the same example I am giving you in the starting. If your school starts at 8:50 AM and ends at 12:20 PM, so aap iska answer kaise nikaloge? Theek hai, let's do it. Kyunki this time you have two times, one is in AM and another one is in PM. Okay, so let's calculate it, how to do it. ठीक है, देखते हैं. सब्ट्रैक्ट द मिनट कॉलम. दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मिनट कॉलम को मिनट कॉलम से सब्ट्रैक्ट करना है एंड आर को आर से सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट राइट डाउन 12:20 और जो स्टार्टिंग टाइम था वो क्या था, 8:50. ओके, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. नाउ द वन क्वेश्चन इज दैट जब हमें मिनट पार्ट से मिनट पार्ट को ही घटाना है और आर से आर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो 20 से तो 50 माइनस नहीं हो सकता. करेक्ट. बट जैसे ही मैं इधर से एक कैरी लूँगी, कैरी लिया जा सकता है. करेक्ट. इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाइल यू डू इन द टाइम यू कैन टेक अ कैरी. बट जैसे ही आप कैरी लोगे तो ये क्या हो जाना है, 12. क्या 120 मिनट हो सकता है? नो. सो व्हाट यू विल राइट, सॉरी, when you will take carry, so ये जो carry आया है वो R से आया है. किससे आया है? R से. One carry आया है R से. That is जो मिनट में आगे कितना हो जाना है, 60 मिनट. क्या हो जाना है? 60 मिनट. That means आप carry तो ले सकते हो but ऐसे नहीं कर सकते. जैसे अभी मैंने बोला ये 120 हो जाएगा, क्या ये हो सकता है 120? नहीं. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, मिनट 120 हो ही नहीं सकते हैं. करेक्ट. जब हम आर और मिनट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 मिनट होगा. करेक्ट. अदरवाइज जैसे ही वो 60 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आवर प्लस वॉट एवर द मिनट एक्स्ट्रा इज. ओके, सो इस केस में भी वही सेम आपको याद रखना है. जैसे ही आपने इधर से कैरी लिया, सो वो तो आर से गया है ना, तो आर से जाके मिनट में वो कितना कैरी हो जाएगा, 60 मिनट. कितना हो जाएगा, 60 मिनट. दैट इज आपको 60 मिनट ऐड करना पड़ेगा 20 में पहले, तो कितना हो गया ये, इसकी जगह पे क्या हो गया, 80 मिनट. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 80 माइनस 50 इज 30. यहाँ से 1 आवर हम ऑलरेडी कैरी ले चुके हैं, तो कितना बच गया, 11. 11 माइनस 8 इज 3. हेयर ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 12:20 था करेक्ट, 8:50 था. अब 20 में से 50 नहीं सब्ट्रैक्ट करा जा सकता, तो 1 इधर से कैरी लिया, कैरी लिया आर फॉर्म में था, मिनट फॉर्म में चेंज किया, 60 हो गया. 60 प्लस 20 80 हो गया, तो 80 माइनस 50 करेंगे तो 30 आ जाएगा. अगेन सेम, यही सेम चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, हियर यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज. अभी हमने क्या किया था, नंबर ऑफ आवर्स निकाले हैं. अभी तक जो एग्जाम्पल देखे हैं, जो टाइम ड्यूरेशन निकाला है, या तो नंबर ऑफ आवर्स निकाले हैं या रीच टाइम निकाला है. करेक्ट. अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं. ओके, यूनिट टेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यूनिट टेस्ट इन ए क्लास स्टार्टेड ऑन 15th October एंड लास्टेड फॉर 8 days. हाउ मेनी डेज, 8 days. कब एग्जाम स्टार्ट हुए बेटा, 15 अक्टूबर को. कितने दिन तक चले, 8 days तक. ओके, ऑन विच डे वॉज द लास्ट टेस्ट हेल्ड. अगेन यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग. अगर जैसे इस केस को लें, अगर इसमें बात हो रही है टेस्ट की, कि टेस्ट 15th October को स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स वो डे भी काउंट हो रहा है. करेक्ट. उस डे को भी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, उस डे को भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, सो दैट डे इज़ ऑल्सो काउंटेड अंडर दीज 8 डे. ठीक है, सो 8th डे तो ऑलरेडी कम हो गया. कितने डे बचे, 7 डेज बचे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 15 में 7 प्लस कर दोगे. करेक्ट. तो कितना हो जाएगा, सी 15 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22. दैट इज़ 22nd अक्टूबर. करेक्ट.
सो जो लास्ट डे था एग्ज़ाम का वो कौन सा हुआ, 22nd अक्टूबर. वाई? बिकॉज हम दोनों डे को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ और जब लास्ट हुआ दोनों दिन ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ होगा, करेक्ट? सो हमें दोनों डेज को इंक्लूड करना पड़ेगा इन दैट टाइम पीरियड ऑफ 8 days. सो आर आंसर इज 22nd अक्टूबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट एग्जाम्पल. रिहर्सल फॉर अ शो कंटिन्यूड फॉर 20 days. ओके, एंड द लास्ट डे ऑफ द रिहर्सल वॉज ऑन 22nd मे. When did the rehearsal started? Again, last day or first day भी count होगा. Why? क्योंकि जिस दिन start हुई होगी उस दिन भी तो rehearsal की होगी, correct? और जिस दिन last day था उस दिन भी rehearsal की है. So both of the days will be included in that time period of 20 days, correct? So 20 day में से अगर 22nd मई वाला मैं ऑलरेडी हटा दूँ क्योंकि वो तो डेट दी है, बाकी हमें निकालनी है, तो कितने डेज बच जाएंगे? 19. Now what you have to do? Subtract it from 22. 22 minus 19 is 3rd May. How? Subtract करो. 3 आ जाएगा. अब 3rd May कैसे आया? क्योंकि 22nd May था. आप normally भी calendar में count कर सकते हो. अगर 20 days पहले की बात करोगे तो कितना आएगा? 3rd May. Why not 2nd May? बिकॉज हमें जो लास्ट डे है उसको भी इंक्लूड करना है जो हमारा 20 days का टाइम पीरियड है. ओके, अंडरस्टूड? अभी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? क्या एक्सरसाइज है? फाइंड द स्टार्टिंग टाइम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, आपको फिनिशिंग टाइम दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, आपको स्टार्टिंग टाइम निकालना है. सिंपल है. अभी हमने क्या किया था इन एग्जाम्पल जो हमने देखा था जिसमें ऑफिस रीच टाइम निकालना था, उसमें आपको स्टार्टिंग टाइम दिया था, टाइम ड्यूरेशन दिया था और आपको फाइनल टाइम निकालना था, फिनिशिंग टाइम निकालना था, करेक्ट? बट इसमें क्या है, फिनिशिंग टाइम दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, आपको स्टार्टिंग टाइम निकालना है. फॉर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. व्हाट? क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? जो भी टाइम ड्यूरेशन है. दैट मीन्स अगर आपको मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल देके बताऊं, दैट आप गेम शाम को स्कूल से आके खेलने गए, ठीक है? आप खेल के घर पे वापस आए एट 7 o'clock, 7 PM दैट इज़, ओके? एंड आपने जो गेम खेला वो खेला 2 hours के लिए, तो आप किस टाइम पे घर से निकले थे वो कैसे कैलकुलेट करोगे? जो 7 o'clock है, जो आपका टाइम है इस टाइम पे जो हो रहा है, और जितने आर के लिए आपने गेम खेला है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप किस टाइम पे घर से निकले थे वो टाइम आ जाएगा, करेक्ट? तो 7 minus 2 is 5. इन द सिमिलर वे आपको ये भी करना है. ओके, लेट्स सी, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. फिनिशिंग टाइम कितना है आपका? 7:12 PM. ओके, एंड कितना टाइम ड्यूरेशन कितना था बेटा? 4 hours. अगेन आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? सब्ट्रैक्ट. एंड मैंने 4, 7 के नीचे क्यों लिखा है? बिकॉज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट और ऐड द सेम यूनिट. सो ये आर है, ये मिनट है, करेक्ट? सो अब यहाँ 0, 0 लिख सकते हैं, करेक्ट? यू कैन सब्ट्रैक्ट इट नाउ. 7 minus 4 is 3. सो वॉट वॉज द स्टार्टिंग टाइम? 3:12 PM. ओके, क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है? बी पार्टी सॉल्व करते हैं. फिनिशिंग टाइम कितना है? 11:56. एंड टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 5 hours and 25 minutes, करेक्ट? एंड वन मोर थिंग, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दैट बिकॉज दिस इज नॉट 5:25, दिस इज 5 hours and 25 minutes. ओके, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट इट, वेरी इजी, सिंपल है. इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. हो सकता है ना. 6 minus 5 is 1, 5 minus 2 is 3. ओके, 11 minus 5 is 6. सो द स्टार्टिंग टाइम वुड हैव बीन 6:31 PM. ऑल राइट,
इजी है, ऐसे ही आप ये भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ही करना है, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फिनिशिंग टाइम. दिस टाइम यू हैव टू फाइंड द फिनिशिंग टाइम. आपको स्टार्टिंग टाइम दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है. ऐसा एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा है, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग टाइम कितना है? 2:10 AM. ऑल राइट. एंड हाउ मच द टाइम ड्यूरेशन इज? 3 hours and 20 minutes. करेक्ट. So what you have to do, you have to add the time duration to the starting time, then you will get the finishing time. Okay, 0 plus 0 is 0, 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5. So the finishing time is 5:30 AM. Okay, and always remember AM से PM में change कब होता है? 12 noon के बाद. अगर मुझे इसमें इतना ज़्यादा ऐड करना पड़ जाए कि ये 12 नून के बाद पहुँच जाए, तब हम इसको पीएम लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन, दिस वन. ठीक है, देखते हैं कितना है. 7:35 AM. ऑल राइट. कितने टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है? 7 hours and 45 minutes. Now what you have to do? You have to add it. Okay, again 5 5 10, carry would be 1. Okay, 4 plus 3 is how much? 7 plus 1 is 8. Again, kya 80 minute yahan main likh sakti hu? No. So how I'll divide it as 60 plus 20. Why 60? Because 1 hour ho jayega. Theek hai, to yahan kitna reh jayega? 20. कितना रह जाएगा? 20. 80 की जगह पे क्या आ जाएगा? 20. 60 कहाँ पे? ये 1 कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे यहाँ पे कैरी. ओके, अंडरस्टूड. वैसे ऐसा ही हमने एक एग्जांपल में भी समझा था. करेक्ट. सो 7 प्लस 7 इज 14. करेक्ट. प्लस 1 इज 15. सो क्या आ गया आपका आंसर? 15:20. अगर मैं इसे 24 आवर में रिप्रेजेंट करूं तो ये 15:20 लिख सकते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं 12 आवर फॉर्मेट की, सो 15:20 जो कि मेरा कैलकुलेट हो गया है, आई राइट इट हियर, 15:20 आया है. करेक्ट. 15:20 को मैं 12 आवर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूं? बाय सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम इट. सो इट विल कम एज 3:20. नाउ अगर 3:20 की बात हो रही है, पहले टाइम कितना था? जो स्टार्टिंग टाइम था 7:35 AM था. 7 आवर्स के बाद बात हुई है और 3 कितना है? 3:20. करेक्ट. सो क्या ये AM होगा या PM होगा? दिस विल बिकम PM बिकॉज 12 नून को क्रॉस कर चुका है वो. और ऑल्सो हमने यहाँ भी देखा ये कितना था? 15:20. करेक्ट. जो कि PM जब टाइम होता है उसको जब हम 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तभी आता है. ओके, अंडरस्टूड. सो आर आंसर विल बी 3:20 PM. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. करेक्ट. फर्स्ट इज स्टार्टिंग टाइम गिवन है आपको, फिनिशिंग टाइम गिवन है, और आपको क्या निकालना है? इनका टाइम ड्यूरेशन निकालना है. सो अगेन सिंपल है. अगर आपको किसी चीज़ का लास्ट टाइम पता है कब ख़त्म हुआ है और कब वो शुरू हुआ था, स्टार्टिंग टाइम पता है, तो आप उसका टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हो. अगेन आपको क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट. सो क्या करेंगे? 10:15 AM में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3:20 AM. अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, मिनट से मिनट सब्ट्रैक्ट होगी, आर से आर. यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है दैट इट इज़ 15 एंड इट इज़ 20. सो 15 से 20 को नहीं सब्ट्रैक्ट करा जा सकता, तो हमें इधर से क्या लेना पड़ेगा? 1 कैरी. जैसे ही आप कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 115. तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में करते हैं. करेक्ट. सो इसकी जगह पे आपको क्या करना होता है? क्योंकि आप 1 hour कैरी ले रहे हो, यहाँ से आर वाले पार्ट से ले रहे हो, तो इधर आके ये कितना हो जाना है? 60 minutes. दैट इज़ ये इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 60 plus 15 कितना हो जाएगा? 75. नाउ यू विल री राइट इट एज, यहाँ 10 की जगह पे क्या हो गया बच्चों? 9, क्योंकि 1 hour मैंने वहाँ से ऑलरेडी ले लिया है. 9, और यहाँ 15 की जगह पे क्या आ जाएगा? 75, और ये ऑलरेडी क्या था? 3:20. Now you can subtract it easily. 5 minus 0 is 5. 7 minus 2 is again 5. 9 minus 3 is 6. So our answer is
6 hour and 55 minutes. Why I've written it as 6 hour and 55 minutes? Because हमें time duration निकालना था उनके बीच का. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द सिमिलर वे आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्टार्टिंग डेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. अगेन हमने डेज कैलकुलेशन भी सीखी है, डेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप. अब इसमें क्या दिया है आपको, फिनिशिंग डेट दी है, टाइम ड्यूरेशन दी हुई है. करेक्ट, फिनिशिंग डेट क्या है यहाँ पे, 15th of August. करेक्ट, क्या है, 15th of August. टाइम ड्यूरेशन कितना है, 11 days. अगेन 15th of August क्या हो जाएगा, 11 days के टाइम ड्यूरेशन में इंक्लूड हो जाएगा. सो 15 में से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 15th August है वो भी तो काउंट हो रहा है. सो व्हाट आई विल सब्ट्रैक्ट, 10. सो व्हाट इज द आंसर, 5, दैट इज 5th of August. ऑल राइट, इन द सिमिलर वे आप इसको भी कर सकते हो. ठीक है, ओके, फिनिशिंग डेट है 2nd March. ऑल राइट, कितने डेज हैं, 22 डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं. अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि ये 2nd March है तो मार्च तो अभी स्टार्ट हुआ है, 1st March एंड 2nd March, करेक्ट, उससे पहले ही होगा. सो अगर मैं 2nd March को इंक्लूड करते हैं हम, सो ऑलरेडी 21 हो गया, कितना हो गया, 21. ठीक है, 1st March को भी इंक्लूड ही करना है हमें, तो उसको भी हटा देते हैं, कितना हो गया, 20. 2 days तो हो गए ना. अब जो मार्च से पहले मंथ आया है वो क्या रहा होगा, आई एम कंसिडरिंग इट, ओके, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, क्योंकि ईयर हमारा दिया है विथ 365 days, तो हमारे जो फैब मंथ में डेज होंगे वो कितने होंगे, 28. सो व्हाट यू विल डू, 28 minus 20. वाई 20, बिकॉज 2 days तो मार्च के काउंट हो गए ना, 1st and 2nd, करेक्ट. रिमेनिंग अब जो और भी डेज लगे होंगे वो कौन से मंथ में लगे होंगे, फैब में, क्योंकि मार्च तो अभी स्टार्ट हुआ है. मंथ्स के बारे में अगर आप देखो तो मंथ का तो आपको पता है ना डेज कितने होते हैं एक मंथ में. फैब में स्पेशली अगर 365 डेज का ईयर है तो कितने होंगे, 28. सो व्हाट इज द आंसर, 8, दैट इज 8th of Feb. ओके, सिंपल है, लेट्स मूव ऑन. इन द सिमिलर वे बेटा आप ये भी कर सकते हो. लास्ट इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द फिनिशिंग डेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. फिनिशिंग डेट निकालनी है. अगेन उसमें क्या था आपको, फिनिशिंग डेट दी थी, स्टार्टिंग डेट निकालनी थी. इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग डेट दी है, फिनिशिंग डेट निकालनी है. उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा. अगेन 11th September आपको स्टार्टिंग दिया है और टाइम ड्यूरेशन दिया है 25 डेज. सो व्हाट यू विल डू, 11th September भी काउंट होगा, करेक्ट. सो एक डे तो ऑलरेडी कम हो गया, सो व्हाट यू विल ऐड, 11 plus 24, कितना हो गया, 5 and 3. सो नाउ द क्वेश्चन इज, 35 डेज तो होते ही नहीं है किसी मंथ में, ठीक है. सो व्हाट यू विल डू, सेप्टेम्बर में कितने डेज होते हैं, जस्ट लेट्स जस्ट, ओके वेट अ मिनट, आई जस्ट क्लियर इट. ठीक है, सो देयर इज अ मेथड जो आपको डेज याद रख सकते हो कि आप कैसे कैलकुलेट करो, करेक्ट. पहली बात तो जनवरी में कितने होते हैं, 31, राइट इट डाउन. फेब्रवरी में कितने होते हैं, डिपेंड्स, इफ इट इज़ अ लीप ईयर इट इज़ 29, अदरवाइज इट इज़ 28. अगेन जनवरी, फेब्रवरी, मार्च में कितने होते हैं, 31, ठीक है. अप्रैल, मई, जून, अगेन जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, ठीक है. सिंपल होता है, आपको ऐसे ही रिमेम्बर करना है इनको, ठीक है. ओके वेट अ मिनट, अगेन आई विल क्लियर इट जिससे आप सॉल्व कर लो. तो अगेन आपका जो 35 आया है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है. ओके, इन द सिमिलर वे बेटा सी बी बी सी एंड डी ये भी आप इस 5th question के अपने सॉल्व कर सकते हो. ओके दैट वॉज अबाउट द टाइम, अब देखते हैं टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर जनरली हमने क्या पढ़ा है या क्या हमें पता है टेम्परेचर के बारे में, इफ समथिंग इज़ हॉट तो उसका ज़्यादा टेम्परेचर है, समथिंग इज़ कोल्ड उसका कम टेम्परेचर है, करेक्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अ मग ऑफ कॉफ़ी इज़ हॉट वेर एज द आइसक्रीम इज़ कोल्ड, करेक्ट. बट हाउ टू डिटरमाइन इट इफ समथिंग इज़ कोल्ड और हॉट, यही तो हमें सीखना है कि उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट थिंग, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. सुना होगा, मोस्टली सबने सुन रखा होगा, देखा भी होगा थर्मोमीटर कैसा होता है. करेक्ट. अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या डिग्री होती है, क्या यूनिट होती है. जैसे कि हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है, वैसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होगी. उसको कैसे फाइंड आउट करें कि कितने यूनिट से ऊपर हम हॉट कंसिडर करें, कितने यूनिट से नीचे कोल्ड कंसिडर करें. करेक्ट. और अगर हमें कंपैरिजन करना है विच इज़ हॉट विच इज़ कोल्ड, सो वो कैसे करें? अगर हमें यूनिट पता होगी तभी तो हम मेज़र कर सकते हैं ना टेम्परेचर को. करेक्ट. सो द बेसिक यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज डिग्री एंड द स्टैंडर्ड यूनिट इज सेल्सियस. ऑल्सो आपने फॉरेनहाइट भी सुना होगा. करेक्ट. और बेटा सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं. ठीक है, फॉरेनहाइट भी सुना होगा आपने. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड फॉरेनहाइट या फिर सेल्सियस में टाइम को टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज. वन इज हाउ टू कन्वर्ट टाइम टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट एंड हाउ टू सेकेंड वन इज हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फॉरेनहाइट टू सेल्सियस. ओके, सो दिस वन इज कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल टू फॉरेनहाइट स्केल. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस इन टू 9/5 प्लस 32. रिमेंबर, लर्न दिस फॉर्मूला, रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, तभी आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो. ठीक है, देखते हैं. टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू फॉरेनहाइट, मल्टीप्लाई द टेम्परेचर बाय 9/5 एंड एड 32 टू इट. इस तरीके से भी याद कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली फॉर्मूला लर्न कर लो. ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. टेम्परेचर ऑफ ए हॉट मिल्क इज 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू फॉरेनहाइट स्केल. ठीक है, क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है. सेल्सियस में हमें दिया है टेम्परेचर, कितना दिया है? 80 को क्या करेंगे? 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल कितना ऐड कर देंगे? 32. 9/5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं, यहाँ से 5 से 80 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 16. तो 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 144 प्लस 32 था, तो ओवरऑल कितना हो गया? 176 फॉरेनहाइट. ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ फॉरेनहाइट टू सेल्सियस. अभी हमने क्या किया था? सेल्सियस से फॉरेनहाइट में किया था, अब हमें अपोजिट करना है. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू फॉरेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9. सेम फॉर्मूला है, बस आपको याद करना है, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर एज वेल. अगर फॉरेनहाइट से यहाँ से मैं डिग्री सेल्सियस निकालूँ तो क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला? ये लिखते हैं, अगर मैं इधर से 32 इधर ले जाऊँ तो वो जाके क्या हो जाना है? इधर माइनस 32 हो जाना है. करेक्ट, सब्ट्रैक्शन में पहुंच जाएगा अगर इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा. सो नाउ व्हाट यू विल राइट? फारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस इनटू 9/5. अगेन मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ इक्वल के अपोजिट साइड में है एंड आपको अपोजिट साइड में ले जानी है तो मल्टीप्लिकेशन जाएगा डिवीजन में एंड डिवीजन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. ओके, दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस फॉर्मूला और सिंपली जस्ट रिमेंबर इट. ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया है? 86 डिग्री फारेनहाइट को किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है. सो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. फारेनहाइट की जगह कितना लिख दो? 86 माइनस 32 इंटू 5/9, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज दी है टेम्परेचर की आपकी, जिसमें आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें एक में से सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है एंड दूसरे में फॉरेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है. ठीक है, डिग्री सेल्सियस दिया है, फॉरेनहाइट में चेंज करना है, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा. इन द सिमिलर वे ये भी आप फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा. सिंपल है. अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि फॉरेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में कुछ दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है? 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है
और ऐड कितना करना पड़ता है 32. सो जस्ट टेक वन, कितना है 35. 5 से 35 को डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा 7. ठीक है, कितना हो गया 9 × 7 करेक्ट, कितना आ जाएगा 63 प्लस 32. 3 + 2 = 5, 3 + 6 = 9. सो 95 डिग्री फारेनहाइट इसका आंसर हो गया. इन द सिमिलर वे आप ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज. ऑलराइट, अगेन ये आपका क्वेश्चन है टाइम कन्वर्जन से. करेक्ट, अ डांस शो बिगिंस एट 6:35 PM. इट लास्टेड फॉर 35 मिनट्स. ओके, एट वॉट टाइम डिड द डांस शो एंड. क्या करना है आपको, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, 3:35 पे. कितने मिनट्स के लिए वो चला है, 35. तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. अगेन जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे, 5 × 5 = 0, 3 × 3 = 6 + 1 = 7. ये हो गया 70, दैट इज 60 मिनट से ज़्यादा हो गया. सो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 60 + 10. करेक्ट, 60 + 10 = 70. 60 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 आवर. सो 1 आवर को कहाँ ले जाएंगे, इसमें कैरी ले जाएंगे. कितना बच गया, 10. सो 6 + 1 = 7. सो क्या हो जाएगा आंसर, 7:10. किस टाइम पे शो एंड हुआ है, 7:10 PM. ऑलराइट, अंडरस्टूड, सिंपल है. नेक्स्ट देखते हैं. सौम्या वेंट टू स्लीप एट 9:25 PM एंड वॉक अप एट 5:10 AM. फॉर हाउ लॉन्ग डज शी स्लीप. ओके, उठने का टाइम आपको पता है, सोने का टाइम आपको पता है, आपको सिंपली क्या निकालना है कि कितने टाइम के लिए उसने नींद ली. फॉर हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप. ओके, लेट्स कैलकुलेट. 5:10 AM एंड 9:25 PM. अगेन ये AM में है, ये PM में है. करेक्ट, सो आपको इसको कैसे करना पड़ेगा. फर्स्टली दिस इज हर स्लीपिंग टाइम and this is her waking up time. Correct, so write down it in 24-hour format. उससे आपकी help हो सकती है, otherwise simple है, क्योंकि 9:25 में से जब आप 5:10 subtract करेंगे, आप easily भी इसको subtract कर सकते हैं. Simple है, subtract ही करना पड़ता है ना हमको, जब हमने कोई task start किया और जब ख़त्म किया उसका time duration निकालना है. So you have to subtract it. 25 - 10 = 15, 9 - 5 = 4. ओके, वॉट वी हैव डन. ओके, दिस इज PM एंड दिस इज AM. अगेन डोंट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम था वो PM था, 9:25 PM. दैट इज बीच में क्या आया होगा, 12 midnight. जैसे ही 12 midnight आया होगा, क्लॉक दोबारा से 1 से स्टार्ट हुई होगी. दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 9:25 PM को आप क्या कर लो, आर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो. दैट इज इन 24-hour फॉर्मेट. इससे क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूँ 9:25 PM को मुझे आर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा. करेक्ट, जैसे ही 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21. दैट इज 21:25. ओके, ये 21:25 क्या है, आर. ठीक, और जो हमारा 5:10 क्या है, AM, वो कितना हो जाएगा, 5:10 आर हो जाएगा, क्योंकि AM कन्वर्ट नहीं होता. करेक्ट, सिंपल है. या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा मेथड जो मैंने बताया है, आप सिंपली इसको कन्वर्ट सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दैट इज 9:25 PM को आप मिडनाइट तक काउंट करो, देन मिडनाइट से 5:10 तक काउंट कर लो, AM तक. ओके, सिंपल है, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द टेम्परेचर इज 40 °C, देन द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज. इसका फॉर्मूला अगेन रिमेंबर, फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 9 × 9/5 + 30. To apply this formula and you can get the answer for this question. Okay, simple hai. I think that this was the last question. All right, students, that was it.
about, okay, no, there are two more questions. Wait, here is the temperature. Again, these are also similar. जो अभी हमने सीखा टेम्परेचर को अगर फारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी फॉर्मूला है. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द आंसर्स. ओके, सो दैट वॉज अबाउट द टाइम एंड द टेम्परेचर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वॉट वी हैव लर्न टूडे दैट हाउ टू कन्वर्ट टाइम एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन. इन द सिमिलर वे वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर दैट हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर from one unit to another unit and what are the units in which you measure the temperature, Fahrenheit and Celsius. Okay, so that was it. Thank you.